हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज मुनेश एंड इन सीसेट पेपर टू प्रीवियस ईयर सीरीज टुडेज आवर टॉपिक इज प्रॉब्लम ऑन एजेस। यस, प्रॉब्लम ऑन एजेस पे अगर हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस देखते हैं तो आप देखोगे कि इन 2015 देयर वाज वन क्वेश्चन, इन 2016 वन क्वेश्चन, 2017 वन क्वेश्चन, 2018 में क्वेश्चन नहीं था एजेस पे। ओके, बट इन 2019 देयर वर टू क्वेश्चंस फ्रॉम प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ओके, एंड इन 2020 देयर वाज वन क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। दैट मींस कि वी कैन एक्सपेक्ट वन टू टू क्वेश्चन इन योर एग्जाम फ्रॉम दिस टॉपिक। तो देखिए, पहले मैं उन्हीं टॉपिक्स को ही वैसे कवर करवा रही हूँ जिसके अंदर से एवरी ईयर हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं टॉपिक्स को हम पहले कवर कर रहे हैं, तो सभी टॉपिक्स आपके अभी जितने भी क्लासेस हुई है सारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस रही हैं, ठीक है। आज की क्लास भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और जो हमारा प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है, इस सीरीज के अंदर हम आपको प्रीवियस ईयर के सिक्स ईयर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपके किसी पर्टिकुलर टॉपिक में से आए हुए हैं सभी हम कवर करवाने वाले हैं। ओके, तो प्रीवियस ईयर सीरीज को जिसने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है वो रजिस्टर कर लीजिए, सो दैट कि आपका जो जितने भी क्वेश्चंस है टॉपिक वाइज आपको मिल जाए। और दूसरा ये है कि जहाँ पे आप जैसे आप पोर्टल पे जाते हो तो वहाँ पे आपको लेक्चर के साथ में एक पीडीएफ भी अवेलेबल है, जो लेक्चर की पीडीएफ है दैट इज अवेलेबल। इसके अलावा टेस्ट भी अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है ना। जैसे आप क्लास करते हो उसके बाद में आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आपका कितना प्रिपेयर है। यस, क्लियर है। तो जिन्होंने अभी अब तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है रजिस्टर कर लीजिए। ओके, हाँ जी, शेयर जरूर करना है वीडियो को, ताकि अगर आपको लगता है कि हाँ जी दिस इज हेल्पफुल, मैं नहीं कहती कि हाँ जी करो शेयर करो, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना। कह रहे कि अगर आपको लगता है दिस इज हेल्पफुल तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। यस, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपका 2015 का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? कह रहे ए फादर इज 9 times एज ओल्ड एज हिज सन। फादर इज 9 times एज ओल्ड एज हिज सन एंड मदर इज 8 times एज ओल्ड एज हिज सन। द सम ऑफ फादर्स एंड मदर्स एज इज 51 years, then what is the age of son? Yes, this is the question. अब यहाँ पे अगर हम ये मान लें कि जो son है, son की age x years है, yes, let us consider son's age is x years. अगर son की age x years है, then father's की age कितनी हो जाएगी? हाँ जी, father's की age, अब यहाँ पे given है father is 9 times. 9 times that means 9x years हो गया। ओके, अब आगे क्वेश्चन में ही गिवन है मदर इज 8 times। ओके, दैट मींस कि मदर की एज कितनी हो गई? दिस इज 8x। और क्या गिवन है क्वेश्चन में कि द सम ऑफ फादर्स एंड मदर्स एज इज 51 years, दैट मींस दिस 9x एंड 8x, दैट मींस टोटल हो गया आपके पास में 17x एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 51 years, means x is equal to 3. और x हमने क्या consider किया था? x was the age of son. That means the age of son is 3 years. So answer will be 3 years. Yes. Question is clear? I hope सभी को clear हो गया. Simple question था, ठीक है ना? तो next question हम देखते हैं. Next question was in 2016 का question हम देख रहे हैं. हम क्या? Sum of the ages of 5 members comprising a family 3 years ago was 80 years. 3 years ago, sum of the 5 members ages is 80 years. Okay, and the average age of the family today is same as it was 3 years ago. जो average 3 years ago थी ना वही अब है. Reason being कि because of the addition of a baby during this intervening period. How old is the baby? Baby की age आपको find out करनी है. Okay? Yes, question clear है. 3 years ago. क्या कह रहे हैं? 3 years ago. अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि सम ऑफ एजेस इज इक्वल टू 80 years. ओके, अब 5 members का 80 years है, दैट मींस कि उस टाइम पे एवरेज कितना होगा? अगर हम एवरेज की बात करें, देयर वर 5 members, कितना हो गया?
16 ईयर्स आ गए आपके पास, दिस इज 16, डन। अब कह रहे कि 3 ईयर्स एगो इतना था, बट अभी अगर हम देखें तो एवरेज कह रहा कि अभी भी उतना ही है बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ ए बेबी। दैट मीन्स वट कि अगर मैं आज की बात करती हूँ, आज की बात करती हूँ, तो इनकी जो टोटल एज है वो कितनी होगी, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ दिस थ्री, दिस फाइव मेंबर्स, टोटल फाइव मेंबर्स गिवन है आपके पास में, तो फाइव मेंबर्स की प्रेजेंट एज कितनी होगी। देखो 80 तो पहले ही थी, थ्री ईयर टोटल फाइव मेंबर्स है, तो कितनी एज और बढ़ गई, सभी के तीन तीन साल की 15 ईयर्स ऐड होगी, तो अपने पास में जो एज है अभी कितनी होगी, 95 ईयर्स हो गई। ओके, बट इन द क्वेश्चन गिवन दैट कि जो एवरेज है वो सेम है, बट अभी जो नंबर ऑफ मेंबर्स है फैमिली के अंदर, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए, फाइव तो पहले थे, एक बेबी हो गया, दैट मीन देयर आर टोटल सिक्स मेंबर्स, और एवरेज गिवन है कितनी, कि जितनी पहले थी कह रहा है कि उतनी ही एवरेज है, तो पहले एवरेज कितनी थी, 16 इयर्स। दैट मींस कि अगर मैं प्रेजेंट टोटल देखूं, टोटल एज हम देखें, तो टोटल एज कितनी होगी ऑफ सिक्स मेंबर्स, 16 × 6, दैट मींस 96 इयर्स। ओके, 96 इयर्स है सिक्स मेंबर्स का टोटल, ठीक है, और 95 है फाइव मेंबर्स का टोटल, दैट मींस कि जो सिक्स्थ मेंबर है उसकी एज कितनी होगी, 96 माइनस 95, और सिक्स्थ मेंबर कौन है, बेबी है, तो बेबी की एज कितनी होगी, 96 माइनस 95 दैट मींस 1 ईयर, यस, सो आंसर विल बी 1 ईयर, यस, क्लियर है। यहाँ पे बस ये कहा है उसने कि ध्यान रखना है कि उसने कहा कि एडिशन ऑफ ए बेबी, दैट मींस कि नंबर ऑफ मेंबर्स तो बढ़ गए, ठीक है, एवरेज एज उसने बताया कि कितनी है कि सेम रहेगी, तो पिछली जो एवरेज एज थी बिफोर 3 ईयर्स, दिस वाज 16 ईयर्स, ठीक है, अभी भी उसने कहा उतनी ही है, तो हम 16 ईयर ही कंसिडर करेंगे। नाउ नंबर ऑफ मेंबर्स आर 6, दैट मींस कि टोटल एज इज 96 ईयर्स, ओके, टोटल एज इज 96 ऑफ दैट 6 मेंबर्स including the baby, okay, and the total of these 5 members is 95, that means what, ki jo baby hai, baby ki age kitni hogi, 1 year hogi, so answer will be 1 year, okay, yes, next question dekhi, the age of x, yes, 2017 ka question hai, the age of x last year was square of a number, kare ki x hai koi person, uski age last year was, kya keh raha hai, last year इट वॉज स्क्वायर ऑफ ए नंबर, क्या था, स्क्वायर ऑफ ए नंबर, डन, एंड इट वुड बी क्यूब ऑफ ए नंबर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ये क्यूब ऑफ ए नंबर, अब ये नहीं कह रहा कि नंबर कोई भी हो सकता है, बस ये है कि यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, वहां पे स्क्वायर, दैट मीन्स बीच में क्या आ गया, हमारी प्रेजेंट इज, ओके, क्लियर, दैट मीन्स वट कि इन दोनों नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा, इस नंबर के बीच में और इस नंबर के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 2 का डिफरेंस होगा, यस, देयर विल बी डिफरेंस ऑफ 2। अब देखिए हम देखते हैं कि स्क्वायर और क्यूब में कौन से नंबर आ रहे हैं, तो अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ तो स्क्वायर के अंदर मेरे पास में देखो 1 square 1, 4, 9, 16, 25, ठीक है, 36, 49, इस तरह से स्क्वायर चलेगा। अब उधर से क्यूब में देखते हैं, क्यूब के अंदर देखिए 1 cube 1 8 27 64 125, अब एज इतनी तो नहीं हो सकती, 125 से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ओके। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ से आप डिफरेंस देखिए 2 का कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्क्वायर है 25 और यहाँ पे कितना है क्यूब, 27, दैट मीन्स वट कि एज क्या कह रहा है कि प्रेजेंट एज कितनी है उसकी, 26 इयर्स, क्लियर। यहां से आप देख पा रहे कि लास्ट ईयर स्क्वायर था, 25 इज ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर, 5 का स्क्वायर है, ठीक है, अभी नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्यूब 27 इज क्यूब ऑफ 3, ओके, दैट मींस कि अभी प्रेजेंट एज कितनी है उसकी, 26 इयर्स है, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, व्हाट इज द लीस्ट नंबर इज ऑफ इयर्स ही मस्ट वेट फॉर हिज टू
एज टू बिकम ए क्यूब ऑफ ए नंबर अगेन. कहते दोबारा से क्यूब बनने के लिए उसको कितने साल वेट करना पड़ेगा. तो अब यहाँ पे देखो अभी उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 26 ईयर. अगर हम क्यूब देखें तो यहाँ पे कितना है 27. अब उसके बाद नेक्स्ट क्यूब नंबर क्या होगा 64. दैट मीन्स कि उसकी एज नंबर में क्यूब कब होगी जब वो 64 ईयर्स का होगा. दैट मीन्स कि उसका जो डिफरेंस आ रहा है कितने साल का डिफरेंस आ रहा है भी जब 64 ईयर्स का होगा तभी हो गया ना आपके पास में क्यूब. अभी कितने साल का है 26 ईयर्स का है. हाँ जी दैट मीन्स वाट कि उसको 38 ईयर्स वेट करना पड़ेगा कि उसकी एज कितनी हो जाए क्यूब में आ जाए. ओके बिल्कुल क्लियर है. यहाँ पे एक बार दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन को. क्या कह रहे हैं कि जो स्क्वायर है लास्ट ईयर स्क्वायर था नेक्स्ट ईयर क्यूब होगा. ठीक है ना. दैट मीन्स कि जो बीच का एक रह गया तो डिफरेंस दोनों का कितना होना चाहिए दो का डिफरेंस होना चाहिए. तो हम यहाँ पे हमने स्क्वायर में कुछ नंबर्स मेंशन कर लिए यहाँ पे हमने क्यूब में देख लिए लगातार कंजुगेटिव नंबर्स लिए हम. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखोगे कि डिफरेंस किन का आ रहा आपका 2 का. तो देखो यहाँ पे और तो किसी से आ नहीं रहा सिर्फ 25 और 27 का मैं अगर देखूँ तो डिफरेंस 2 का आ रहा है. ओके दैट मीन्स कि लास्ट ईयर उस एक्स जो है उसकी एज कितनी थी 25 ईयर्स प्रेजेंट 26 एंड नेक्स्ट ईयर इट विल बी 27. ओके अब क्वेश्चन में है कि क्यूब कब बनेगा. तो 27 के बाद नेक्स्ट क्यूब देखिए नेक्स्ट नंबर 3 के बाद 4 का क्यूब होता है 64. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 64 होगा. अब 64 तक के लिए उसको वेट करना है दैट मीन्स कि कितने साल वेट करना पड़ेगा. 64 से मैंने 26 को माइनस कर दिया बिकॉज ही इज 26 ईयर्स ओल्ड नाउ. ओके तो हमने उनको माइनस कर दिया तो अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 38 ईयर्स. ओके यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहे कि इन 2002 मीनूज एज वाज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा. यस मीनू की एज मीरा से 1/3 थी. वेयर एज इन 2010 मीनूज एज वाज हाफ दैट ऑफ मीरा. व्हाट इज मीनूज डेट ऑफ बर्थ आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपका एक तरह से 1/3, 2/3, 2/5 मींस की रेशियो टाइप जो अपने पास में क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप इसको डायरेक्टली बाय शॉर्टकट कर सकते हो. देखो कैसे. अगर हमने पास में क्या कहा 2002 के अंदर. हाँ जी ध्यान से समझना ट्रिक बता रही मैं आपको. यहाँ पे 2002 के अंदर मीनू है. ठीक है. दिस इज मीनू एंड मीरा. क्वेश्चन में क्या गया कि मीनूज एज वाज 1/3 ऑफ मीरा. 1/3 ऑफ मीरा दैट मींस कि दिस इज 1/3 और 1. तो अगर हम रेशियो देखें तो रेशियो आपके पास में क्या आ जाएगी 1:3 आ जाएगा. ओके अब कह रहा है कि वेयर एज इन 2010 मीनूज एज वाज हाफ दैट ऑफ मीरा. हाफ हो गई है 1:2. क्लियर. हाफ दैट मीन्स कि यहाँ पे देखो ना 1/2 इसको हम बन लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएगा. क्लियर है ये बिल्कुल. अब देखो यहाँ पे जो एजेस का जो डिफरेंस आ रहा है 2 का है ये 10 का है. दैट मीन्स द डिफरेंस इज ऑफ 8 इयर्स. अब आपको एज किसकी फाइंड आउट करनी है. मीनू का डेट ऑफ बर्थ हमने फाइंड आउट करना है. तो मीनू की एज कैसे फाइंड आउट करोगे आप. यस मीनूज एज इन 2002 देखिए आप. मीनू कहाँ पे है ये है. इसको हमने एज इट इज नंबर को उठाया. ओके इनटू जितने भी इयर्स का गैप गिवन है वो गैप लेंगे हम. देन डिफरेंस ऑफ दीज टू रेशियोज. डिफरेंस ऑफ दीज टू रेशियोज इज 1. यहाँ पे क्वेश्चन में 1 है तो हम 1 ले लेंगे एज इट इज. ओके डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 - 2 इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स कितना आ गया आपके पास में 8 ईयर्स. ओके दैट मीन्स वट कि इन 2002 मीनूज एज वॉज 8 ईयर्स. अब अगर वो 2002 के अंदर 8 ईयर्स की है दैट मीन्स कि उसका बर्थ कब हुआ है. बिफोर 8 ईयर्स हुआ है. दैट मीन्स कि जो उसका ईयर ऑफ बर्थ ऑफ मीनू क्या हो जाएगा आपका 2002 में से 8 ईयर हमने माइनस कर दिया. दिस इज 1994. दैट मींस कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या आ जाएगा 1994 आ जाएगा. ओके बिल्कुल क्लियर है. हाँ जी एक्स लेके भी आप इसको कर सकते हो. एक्स से बल्कि आपका लंबा पड़ेगा मेथड. फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कैसे कर सकते हो. अब हम यहाँ पे ये ले सकते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि जो मीनू है
मीनू की एज हमने कंसीडर कर ली एक्स, ठीक है, तो मीरा की कितनी हो जाएगी, मीनू 1/3 है, दैट मींस कि मीरा 3 times है, ओके, तो कितनी हो गई आपके पास में 3x, देन ये कब है 2002 के अंदर, अब कह रहे 2008, दैट मींस कि आफ्टर 8 years, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आफ्टर 8 years, अगर आफ्टर 8 years हम देखें तो क्या कह रहे हैं कि मीनू की एज कितनी हो जाएगी, मीनू की एज हो जाएगी x प्लस 8, ठीक है जी, और मीरा की एज कितनी हो जाएगी, मीरा की एज हो जाएगी आपकी 3x प्लस 8, ओके, एंड इन द क्वेश्चन गिवन दैट कि जो मीनू है उसकी एज कितनी रह गई है, हाफ ऑफ द एज ऑफ मीरा, ठीक है, दिस इज मीनू, तो ये कह रहा है कि इसकी एज हाफ रह गई है, दैट मींस क्या कि मीनू इज इक्वल टू 1/2 ऑफ मीरा, हाफ का है उसने, हमने भी हाफ लिख दिया, सिंपल, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस विल बी 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 3x प्लस 8, ओके, तो x की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से 8, दैट मींस व्हाट कि इन 2002 मीरा वाज ऑफ 8 इयर्स, देखो यहाँ से भी हमारे पास 8 इयर्स है, यहाँ से भी आपके पास 8 इयर्स है, सो उसके जो बर्थ ईयर है, ईयर ऑफ बर्थ है, दैट विल बी व्हाट 8 ईयर हम बैक जाएंगे, बैक जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1994, ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हाँ जी, अगर कहीं पे भी कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है देन आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो, ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी मैं सिमिलर टाइप का एक और ऐसा ही क्वेश्चन करवा रही, सो दैट की ट्रिक आप लोगों को क्लियर हो जाए, दिस वाज नॉट ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर का डिस्कस करेंगे, ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, कहते प्रेजेंट एज ऑफ साहिल एंड अर्जुन आर इन रेशियो 5:4, दो पर्सन है, वन इज साहिल एंड द सेकेंड इज अर्जुन, अब यहाँ पे रेशियो गिवन है, क्या रेशियो गिवन है आपके पास 5:4, ओके, 3 years hence the ratio of their ages will become 11:9. कब? After 3 years. Gap कितना है? ये present है, देखो, ये present है. ये 3 years after है. That means कि यहाँ से देखो कि कितना difference आ रहा है. 3 years का difference आ रहा है, तो मैंने 3 years यहाँ पे लिख दिया, okay? कह रहा है कि ratio क्या हो जाएगी? 11:9 हो जाएगी. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अर्जुन्स प्रेजेंट एज, अर्जुन की प्रेजेंट एज आपको फाइंड आउट करनी है, तो अगर मैं अर्जुन की प्रेजेंट एज की बात करूं तो यहाँ पे देखो अर्जुन की रेशियो क्या है 4, इस 4 को मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो गिवन डिफरेंस है वो कितने इयर्स का है, 3 years का, सो यू विल राइट हियर 3, देन डिफरेंस बिटवीन दीज 2 ratios, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिफरेंस कितना है 2 का है, डिवाइडेड बाई वट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस देखेंगे तो दिस इज 45 एंड दिस इज 44, 45 माइनस 44 इज इक्वल टू 1, ओके, सो कितना आ गया आपके पास 24 years, ओके, सो आंसर आ जाएगा आपके पास 24 years, देखो कितना इजिली कर लिया, कोई एक्स नहीं लेना आप लोगों ने, ओके, बिल्कुल क्लियर है सभी को, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2019 का क्वेश्चन है, 2019 में देखिए क्या क्वेश्चन था, कहते इना वाज बोर्न 4 years आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज, इना कब बोर्न हुई है, आफ्टर 4 years ऑफ हर पेरेंट्स मैरिज, हर मदर इज 3 years यंगर देन हर फादर एंड इज 24 years ओल्डर देन इना हु इज 13 years ओल्ड, जब भी आपके पास में हु वर्ड आ जाता है, ठीक है ना, तो एक तरह का की वर्ड है ये, तो हु मीन्स किसकी बात हो रही है, इना की बात हो रही है, क्लियर, दैट मींस व्हाट कि इना 13 इयर्स ओल्ड है, एट व्हाट एज डिड इनाज फादर गेट मैरिड, ओके, तो यहां पे हम ये कंसीडर करते हैं कि इना के फादर की मैरिज के टाइम पे उसकी एज कितनी थी, ठीक है, सो एज ऑफ फादर एट मैरिज टाइम, हम ये कंसीडर कर लेते हैं भाई एक्स इयर्स थी उसकी एज, ओके, अगर मैरिज के टाइम पे एक्स इयर्स थी दैट मींस कि अभी प्रेजेंट में एज कितनी होगी, यस, प्रेजेंट एज ऑफ फादर
कितने हो गए? देखिए अभी इना देखो कितना, 13 इयर्स ओल्ड है, 4 इयर्स आफ्टर मैरिज उसका बर्थ हुआ है, दैट मींस कि अगर अभी मैं फादर की एज देखूं तो कितनी हो जाएगी, एक्स 4 इयर्स के बाद इना का बर्थ हुआ और अभी वो 13 इयर्स की है, दैट मींस कि एक्स प्लस 17 इयर्स। ओके यस। अब क्वेश्चन में एक और पॉइंट भी गिवन है, क्या हर मदर इज 3 इयर्स यंगर देन हर फादर, दैट मींस कि प्रेजेंट एज ऑफ मदर अगर मैं देखूं तो मदर की एज कितनी आ जाएगी, वो 3 इयर्स यंगर है, दैट मींस कि उसकी एज कितनी होगी, इसमें से हम 3 इयर्स माइनस कर देंगे, एक्स माइनस 14। ओके और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि जो इना की मदर है दैट इज 24 इयर्स ओल्डर देन इना, ठीक है, और इना 13 ईयर की है, दैट मींस कि जो मदर की एज है अगर हम वैसे देखें तो कितनी है, 13 ईयर की इना है और इना से वो 24 इयर्स बड़ी है, दैट मींस कि 37 इयर्स है। अब इन दोनों को हम इक्वल पुट कर सकते हैं, ये भी मदर एज है, ये भी मदर एज है, सो दिस विल बी एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 37, दैट मींस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 37, दिस विल बी प्लस, सॉरी, ठीक है, माइनस 14, दैट मींस 23 इयर्स। ओके और एक्स हमने क्या कंसीडर किया था, एज ऑफ फादर एट मैरिज टाइम, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि व्हाट इज द एज डिड इनाज फादर गेट मैरिड, कि क्या एज है, तो एज क्या है 23 इयर्स, सो आंसर विल बी 23 इयर्स। ओके यस, क्लियर है सभी को? हाँ जी, नेक्स्ट देखिए 2020 का क्वेश्चन है। हाँ जी, वीडियो को सभी ने शेयर करना है, लाइक करना अगर आपको लगता है कि ये आप लोगों के लिए यूजफुल है, ठीक है। जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको सारे लेटेस्ट अपडेट टाइमली मिलते रहे। ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, द एवरेज एज ऑफ टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स इज 20 इयर्स। ओके इफ द ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ सेम एज, अब हम ये मान लेते हैं कि जो स्टूडेंट है वो एस ईयर का है, टीचर टी ईयर्स का है। ओके तो यहाँ पे आप देखिए कह रहे कि एज ऑफ टीचर प्लस 3 स्टूडेंट, ये आपके पास में क्या है, एवरेज गिवन है। तो अगर एवरेज गिवन है तो कितने पर्सन होंगे, एक टीचर और 3 स्टूडेंट, कितने पर्सन होंगे, 4, और एवरेज है 20 इयर्स, दैट मींस कि एज कितनी होगी, 20 × 4 80 आ गया। हाँ जी, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, अगर आपके पास में एवरेज गिवन है देन यू कैन फाइंड आउट द टोटल। दूसरा पॉइंट क्या है, कहते हैं इफ ऑल द स्टूडेंट्स आर ऑफ सेम एज है, इसीलिए हमने इसको 3s कंसीडर किया है। आगे कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इज 20 इयर्स, दैट मींस टीचर माइनस स्टूडेंट इज इक्वल टू 20 इयर्स, ये आपके पास गिवन है, डन। अब दोनों इक्वेशन के अंदर से क्या करते हैं, हम इसको माइनस करते, दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस, कितना हो गया आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास 4s इज इक्वल टू 60, दैट मींस s इज इक्वल टू 50। ओके अब क्वेश्चन क्या है कि जो एज ऑफ टीचर आपको फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे स्टूडेंट की एक एज आ गई हमारे पास 15, वन स्टूडेंट एज आ गया आपके पास में 15, तो टीचर की एज कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आप किसी में भी एक में पुट कर लोगे तो टीचर की एज कितनी आ गई, 20 + 15, दैट मींस 35 इयर्स। ओके सो आंसर विल बी 35 इयर्स। हाँ जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, क्या किया हमने, उसने एवरेज एज गिवन थी, एवरेज एज गिवन थी एंड देयर आर टोटल 4 पर्सन, सो वी मल्टीप्लाई 20 by 4। ओके सो वी गेट द टोटल एज ऑफ टीचर प्लस 3 स्टूडेंट्स, इट वाज 80। ओके अब डिफरेंस भी गिवन है आपके पास में, सो हमने यहाँ पे डिफरेंस ले लिया एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट एस इज इक्वल टू 15 एंड टी इज इक्वल टू 35। अब क्वेश्चन में था आपका टीचर की एज, दैट मीन्स कि टीचर टी हमने कंसिडर किया है, कितना आ जाएगा, 35 ईयर्स आ जाएगा। ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस अभी हमारे प्रीवियस ईयर के तो क्वेश्चन हो गए, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि हर एक क्लास के अंदर हम मिनिमम 10 क्वेश्चन तो मिनिमम हम डिस्कस करते हैं, आपको पता है, ठीक है ना, 10 to 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, तो अभी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ और हम डिस्कस करने वाले, क्या है क्वेश्चन, कहते 10 ईयर्स एगो
Shipra was thrice as old as Ravi, but 10 years hence she will be only twice as old. ठीक है, find Ravi's present age. Yes, again shortcut पे इसी पे मैं जो ratio based जो questions है, एजेस पे क्या क्वेश्चन आते हैं, या तो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम टाइम्स, या फिर एवरेज बेस्ड, या फिर इक्वेशन बेस्ड. ठीक है ना, तो मैंने हर एक तरह का मैं आपको करवा रही हूँ. तो यहाँ पे कह रहे 10 ईयर्स एगो. यस, 10 ईयर्स एगो शिप्रा एंड रवि, देयर आर टू पर्सन. कह रहे कि शिप्रा वाज थ्राइस एज ओल्ड एज रवि, सो रेशियो विल बी 3:1. ओके, एंड गिवन दैट कि आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स हैंस, हैंस मीन्स आफ्टर, शी विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज, ओके, दैट मीन्स कि रवि से ओनली ट्वाइस रह गए. कब? 10 ईयर्स आफ्टर. कितना हो गया? ट्वाइस हो गई. अब मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंस आता है. क्वेश्चन में इसीलिए लेके आया क्योंकि लास्ट क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट एज थी. ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखो कि 10 ईयर्स एगो पहले चला गया, ये 10 ईयर्स आफ्टर, तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया? तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू लेनी है दैट इज डिफरेंस. ओके, सो डिफरेंस विल बी 20 ईयर्स. अब हमने क्या फाइंड आउट करना, कहता कि रवि की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करो. तो अब यहाँ पे रवि को हमने देखा, अब ये देखो ये कब की एज निकल के आएगी आपकी, 10 ईयर्स एगो की निकल के आएगी. तो 10 ईयर्स एगो रवीज एज विल बी व्हाट, रवि की एज आएगी कितनी, 1 है एज इट इज लिखा मैंने, इनटू दिस डिफरेंस ऑफ दिस टू रेशियोज, तो कितना आ गया आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस 3 - 2 इज इक्वल टू 1, दैट मींस 20 ईयर्स. दैट मींस व्हाट कि बिफोर 10 ईयर्स 20 ईयर्स का है, तो प्रेजेंट में कितना होगा, 10 साल बाद 10 ईयर्स और ऐड हो जाएगा. दैट मींस कि प्रेजेंट एज की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी रवि की, 20 + 10, दैट मींस 30 ईयर्स. ओके, सो 30 ईयर विल बी द करेक्ट आंसर. ये ट्रिक आपकी इतनी बढ़िया है कि यहाँ पे आपको जस्ट समझाने के लिए मुझे इतना लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो. देखो क्या है आपका, 3:1 है, सिंपल माइंड में हमें पता है कि हाँ जी 3:1 है, 2:1 है, 20 का गैप है. जो गैप है उसके साथ तो हमें मल्टीप्लाई करना ही करना है. 20 का गैप, सिंपल 20 का गैप इनटू जो भी नेक्स्ट आपके पास में रेशियो है, ट्वाइस है, दैट मींस कि डिफरेंस इज इक्वल टू 1. ठीक है, और यहाँ पे थ्राइस है, तो ये हमारे पास में क्रॉस का आ जाएगा आपका 1, तो कितना आ गया, सिंपल 20 इयर्स आ गया. ओके, यस, नेक्स्ट देखिए. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, 9th क्वेश्चन है. क्या है, द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड वाइफ एंड देयर सन वाज 42 ईयर्स. देयर आर 3 पर्सन, एवरेज इज गिवन. क्या कह रहे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है और उनका सन है, उनकी एवरेज गिवन आपके पास 42 ईयर्स. द सन गॉट मैरिड एंड एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर ए चाइल्ड वाज बोर्न टू देम. व्हेन द चाइल्ड बिकेम 5 ईयर्स ओल्ड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिकम 36 ईयर्स. यस, व्हाट वाज द एज ऑफ द ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज. कह रहे हैं मैरिज के टाइम पे उसकी एज कितनी थी. ओके, अगेन गुड क्वेश्चन. देखिए क्या है आपके पास में, एवरेज गिवन है. देयर आर टोटल पर्सन कितने, हस्बैंड वाइफ एंड सन, दैट मीन देयर आर टोटल 3 पर्सन. ओके, सो टोटल एज ऑफ हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन इज इक्वल टू व्हाट, 42 × 3. हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है. तो कितना हो गया आपके पास में, दिस विल बी 126 ईयर्स. डन. अब कह रहे कि सन की मैरिज होगी और एक साल बाद चाइल्ड बोर्न हुआ है, और अब की बात कर रहा है वो, उसके बाद कह रहा है कि जो अभी एवरेज है वो 36 ईयर्स हो गई है. क्लियर, दैट मींस कि हमें अभी प्रेजेंट का फाइंड आउट करना है. तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितने साल बाद की बात हो रही है, यहाँ पे आप देखो कितने साल बाद की बात हो रही है. अभी बच्चा 5 साल का हो गया, ठीक है, 1 साल बाद हुआ है, दैट मींस कि 6 ईयर्स के बाद की बात हो रही है. दैट मींस कि आफ्टर 6 ईयर अगर मैं देखूं, अगर हम देखें कि आफ्टर 6 ईयर्स हस्बैंड वाइफ और सन की एज कितनी हो जाएगी, 126 ईयर्स तो उनकी थी टोटल.
सिक्स ईयर के अंदर सिक्स सन की इंक्रीज होगी, सिक्स हस्बैंड की और सिक्स वाइफ की, दैट मीन्स की टोटल 18 ईयर इज इंक्रीज, ठीक है। सो कितना हो गया आपके पास में 144, डन। और क्या गिवन है कि अभी प्रेजेंट में जो एवरेज है दैट इज 36 ईयर, और अभी फैमिली के अंदर कितने पर्सन है, हस्बैंड है, वाइफ है, सन है, सन की ब्राइड है और चाइल्ड है, ओके, दैट मींस दे आर टोटल 5 मेंबर्स, और एवरेज कितने गिवन है 36 इयर्स, दैट मींस कि 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, ये 180 आ गई, क्लियर। अब हस्बैंड वाइफ और सन की प्रेजेंट कितनी है 144, दैट मींस कि ये जो पूरा है हमारा दिस इज 144 प्लस ब्राइड और चाइल्ड कितने इयर्स का है, 5 इयर्स ओल्ड है, दिस इज 180, दैट मींस व्हाट कि ब्राइड की एज कितनी आ गई आपके पास में 180 माइनस 149, ओके दिस विल बी 31। अब 31 कब है, अभी है प्रेजेंट में, और क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द एज ऑफ ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब मैरिज कब हुई है, बिफोर 6 इयर्स हुई है, दैट मींस कि एट द टाइम ऑफ मैरिज, कि मैरिज टाइम जो ब्राइड है, ब्राइड की एज कितनी हो जाएगी, कितनी थी, मतलब कितनी थी 6 साल पहले मैरिज हुई है, 31 की अब है, उसमें 6 आप माइनस कर दोगे देन यू विल गेट 25 इयर्स, ओके, सो एज कितनी होगी 25 इयर्स आ गई, ओके, क्लियर है क्वेश्चन, बिल्कुल, यस। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास में, क्या है, द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 4 मेंबर इज 36 ईयर, दे आर टोटल 4 मेंबर्स एंड एवरेज इज 36 ईयर, दैट मीन्स बट कि जो टोटल है सम ऑफ 4 मेंबर्स इज 36 इंटू 4, क्लियर। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज 12 ईयर्स, जो सबसे छोटा मेंबर है उसकी एज कितनी है 12 ईयर्स है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर वाज, तो कह रहा है कि उसकी बर्थ के टाइम पे बताओ एवरेज कितनी होगी, यस अगेन गुड क्वेश्चन। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, देयर आर टोटल 4 मेंबर्स, एवरेज आपके पास गिवन है, दैट मीन्स कि टोटल एज ऑफ 4 मेंबर्स, टोटल प्रेजेंट एज, ओके, 4 मेंबर्स कितनी हो गई 36 इंटू 4, दैट मीन्स 144, ओके, बिल्कुल क्लियर है। कह रहा है कि इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर इज 12 इयर्स, तो हम अगर उसके बर्थ की बात कर रहे हैं दैट मीन्स कि बिफोर 12 ईयर आपको जाना पड़ेगा, तो बिफोर 12 अगर हम ईयर हम देखें, बिफोर 12 ईयर अगर हम देखें तो एज कितनी हो जाएगी, टोटल 144 थी, 12 इयर्स टोटल कितने मेंबर थे 4, सभी की 12 इयर्स कम होगी, सभी की 12 इयर्स कम होगी, 12 चौके 48 कम होगी, क्लियर है, दिस विल बी 96, कितनी होगी 96। अभी देखो कि टोटल आपके पास में 96 है, बट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये कह रहे हैं कि बर्थ के टाइम पे, तो उस टाइम तक तो कितने मेंबर्स थे 3 मेंबर्स थे, जब 3 मेंबर्स थे तो एवरेज कितनी होगी, एवरेज कितनी होगी 96 डिवाइडेड बाय 3, दैट मींस 32 इयर्स, ओके, सो आंसर विल बी 32 इयर्स, पॉइंट क्लियर है। कह रहे कि अभी 4 मेंबर्स है, 4 मेंबर्स का टोटल हमें पता है, अब कह रहे कि उसके बर्थ के टाइम पे, बर्थ जब नहीं हुआ है 12 साल पहले अगर हम जाते हैं तो सभी की एज 12 साल कम हो जाएगी, 96 इयर्स रहेगी। अब कह रहे कि उस टाइम पे एवरेज क्या थी, तो उस टाइम पे नंबर ऑफ मेंबर्स थे उसी के अकॉर्डिंग एवरेज निकलेगी, तो बच्चा तो था नहीं, तो यहाँ पे अपने पास में कितना आ जाएगा 3 से डिवाइड करोगे आप, सो यू विल गेट 32 इयर्स, ओके, यस। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है इसको रजिस्टर करने में, तो यहाँ पे देखो एक लिंक है, यही सेम लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ओके, व्हेन यू विल विजिट ऑन दिस लिंक, हाँ जी देखिए, जब हम इस लिंक पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे,
जस्ट अ मिनट। यस दिस लिंक इज ओपन। ठीक है, तो लिंक ओपन हो गया आपका। तो यहाँ पे जब आप इस लिंक पे जाओगे तो वहां पे आप देख रहे हो कि सी सेट से रिलेटेड जितने भी आपका सॉल्यूशन है आपको चाहिए, ठीक है ना, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर मिल रहा है। यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रीवियस ईयर का कोर्स है, दिस इज द प्रीवियस ईयर कोर्स, ओके, जिसके अंदर अभी आपके 22 लेक्चर्स है और भी लेक्चर्स इसके अंदर ऐड होने हैं आपके, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे जाने का फायदा क्या रहना है आपका। जब आप प्रीवियस ईयर पे जाते हो तो यहाँ पे आपके पास में जब आप इसको रजिस्टर कर लोगे, रजिस्टर करने के लिए कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना, आपके 100% डिस्काउंट, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हर एक लेक्चर के साथ में एक तो आपको पीडीएफ मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे देखिए पीडीएफ अवेलेबल है। और जब आप इस लेक्चर पे जाते हो तो सेम लेक्चर आपका यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। तो यहाँ पे जब आप रजिस्टर कर लोगे, ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन दिस विल ओपन लाइक दिस। यहाँ पे हम जब आप रजिस्टर करोगे तो यहाँ पे आपका लॉगिन का बटन एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपने यहाँ से लॉगिन करना है, लॉगिन कर लेंगे, अपनी डिटेल फिल करेंगे। आफ्टर दिस डिटेल फिलिंग ऑफ द डिटेल आपका ये लेक्चर जो है ये ओपन हो जाएगा, ओके। जब आप इस लेक्चर को ओपन करोगे तो लेक्चर के साथ में यस आपको एक टेस्ट भी अवेलेबल होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, ठीक है, और पीडीएफ अवेलेबल होगी। तो वो वहाँ पे आपके पास में एक ही लेक्चर के साथ में इतना कुछ आपको मिल रहा है, और सारे लेक्चर्स देखिए यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे आपको मिल जाएंगे। देखिए ऑन एवरेज क्या है आपका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, हर एक टॉपिक हमने यहाँ पे आपको कवर करवा रहे हैं, ठीक है। और डेली इसके अंदर जैसे जैसे क्लासेस आगे आती है, वन डे इंटरवल पे डेली क्लासेस आ रही हैं आप लोगों की, तो आपको एक एक लेक्चर इसके अंदर ऐड होता चला जाएगा, और हर एक लेक्चर पे आपको टेस्ट भी अवेलेबल होगा, ओके। सो कुछ नहीं करना, कोई आपको पे नहीं करना है, सिंपल अपने आप को रजिस्टर करना है, और वहां से आपको ये सारा एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मिल जाएगा, आपको इधर उधर से ढूंढने की जरूरत नहीं है, ओके। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि कितना मुझे आता है, कोई मेरा पर्टिकुलर टॉपिक कितना तैयार है, ओके, यस। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।